अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास होम फोन। सबने पढ़ने हैं मेरे बच्चों, फर्स्ट ईयर साइंस का हम लोगों ने पढ़ना है 2019 का। अच्छा एक बात याद रखना, अगर बेटा तुम लोगों को अगर हम अगर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो बेटा होम फोन्स का टॉपिक है ना, वो जिस तरह से आपके पास फर्स्ट ईयर में आता है एग्जैक्टली उसी तरह से बेटा आपके पास सेकेंड ईयर में भी आता है। ठीक। अब अगर किसी ने इससे पहले बेटा होम फोन्स की क्लास नहीं ली थी, जो कि मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं ली तो बेटा एक मरतबा ध्यान से ये बात सुन लीजिए कि हमारे पास होम फोन्स बेटा बोलते हैं इन चीज़ों को कि जो हम सिमिलर, दरअसल क्या होगा आपके पास सिमिलर साउंड होगा, लेकिन बेटा इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और बेटा इनकी मीनिंग्स भी अलग होती हैं। ठीक। जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं, स्पेलिंग भी अलग है और मेरे बच्चों उसकी मीनिंग भी अलग होती है। अब हमारे पास ये दो मिलकर बनेंगे एक पेयर। इस तरह से एग्जाम में बेटा आपके पास आते हैं सिक्स पेयर्स। कितने आएंगे? सिक्स पेयर्स आएंगे। तो बेटा आपसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये पूछा जाएगा कि बल्कि ये कहा जाएगा कि आपने करना क्या है कि इन सिक्स पेयर्स में से कोई से भी आप थ्री पेयर्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो जरा मुझे बताइए कि अगर हम थ्री पेयर्स सेलेक्ट करते हैं तो मेरे बच्चों हमारे पास वर्ड्स कितने हो गए, जरा मुझे बताओ। अगर हम लोग थ्री पेयर सेलेक्ट करते हैं तो बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, जरा मुझे बताओ। सही जवाब बेटा ताहिर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बजवल का ठीक आंसर है, मनाहिल का भी, हसन का भी, फातिमा का भी ठीक आंसर है भाई, शाबाश। मेरे बच्चों हमारे पास वर्ड्स बन जाएंगे सिक्स। तो आपको उन सिक्स वर्ड्स के सेंटेंस बनाने, लेकिन बेटा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ईयर में ये आता है, तो हमें ये हम सारे के सारे पढ़ते हुए आएंगे। और मज़े की बात ये, मैंने साइंस क्यों लिखा हुआ मेरा बच्चा, वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो होता है वो साइंस का अलग बनता है, कॉमर्स का अलग बनता है। तो बेटा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जब जब हम लोग बेटा अब जरा दरअसल पास पेपर्स की तरफ आना शुरू होंगे, स्किप मत करना, ध्यान से पढ़ना। अच्छा अगर अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने एक काम करना किस तरह से। मेरे बच्चों आप लोगों ने दरअसल अपना अपनी जो रजिस्टर का लेफ्ट पेज और राइट पेज आप लोग एक साथ यूज करोगे। लेफ्ट वाले पेज पे बेटा आप बीच में एक कॉलम ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब कि दो कॉलम्स बन जाएंगे। लेफ्ट वाले कॉलम्स में आप लिखोगे होमोफोन्स और उसी पेज के राइट वाले कॉलम में लिखोगे उसकी मीनिंग्स। अच्छा नॉट नेसेसरी कि मैंने हर होमोफोन की मीनिंग लिखी हो, लेकिन जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए वहां मैंने उसकी मीनिंग लिखी भी होगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि बेटा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये वाले हीरोइन की स्पेलिंग को मिक्सअप करते हैं। जो फीमेल हीरोइन होती है ना, जो मूवी की हीरोइन होती है, उसकी स्पेलिंग ये होती है, बच्चे लिखकर आ जाते हैं ये। हालांकि ये वाले हीरोइन का मतलब क्या है, जो नशा नहीं होता, जो हीरोइनची होते हैं, ये वो वाले हीरोइन है, मतलब कि ये हीरोइन नशे को बोलते हैं हम लोग, समझे मेरी बात। तो लिहाजा आपको मैं मीनिंग्स दिखवाऊंगा। एग्जाम में आपसे मीनिंग्स नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर हम काम करेंगे। अब ये तो दो कॉलम होगा बेटा हमारे पास होमोफोन्स का, मीनिंग्स का किसमें, लेफ्ट वाले पेज पर। अब राइट वाले पेज पर आप क्या करोगे, इसके सेंटेंसेस बेटा बताओ कि मुझको। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक सेंटेंस बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की क्लास है, आगे आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे बना के दिखाओगे। अब बेटा आप लोग नेट से देखो, खुद बनाओ, जो करना है करो, बट एक बात याद रखना, नॉट नेसेसरी कि नेट पर आपको सब कुछ सही मटेरियल मिलेगा, हमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर करना है। चलो भाई शुरू हो जाओ। अब सारे बच्चे मुझे आंसर बताओ, ये वाले हीरोइन का जो नशा होता है, बताओ भाई, सेंटेंस बनाना शुरू हो जाओ, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ जिसका। और पहले बता रहा हूँ, जो आप में से जितना ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा वो अपने स्किल्स को उतना ही पॉलिश करता जाएगा, उतना ही एडवांस हो जाएगा। तो बेटा थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, शाबाश। सब बच्चे शुरू हो जाओ बेटा, जल्दी जल्दी करो, बताओ मुझे क्या बनेगा इसका। चलो जल्दी जल्दी करो बेटा। ओके भाई, हेरोइन इज डेंजरस फॉर, बल्कि ये कर लो, हार्मफुल, हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, सिंपल एज दैट। मरियम बेटा शाबाश, ही डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ बाय बिकमिंग बिकमिंग ए हीरोइन एडिक्ट, शाबाश, गुड। और बताओ भाई, हीरोइन इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल एंड डेंजरस ड्रग नोन टू मैन, शाबाश। और बताओ भाई,
और बताओ, शाबाश। अरे बाकी कहाँ चले गए भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर। चलो खैर, तुम लोग जितनी देर माशाल्लाह से लगा रहे हो, तुम लोग यहाँ रहने दो, तुम लोग ये वाले हीरोइन पे आ जाओ। चलो भाई, ये वाले हीरोइन का जवाब दो मुझको। जो फीमेल नहीं होती, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द नॉवेलिस्ट मेक्स हिज हीरोइन कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द बुक। के भाई जो नॉवेलिस्ट होता है वो क्या करता है कि बुक के आखिर में अपनी हीरोइन से क्या करता है मेरे बच्चों, सुसाइड करवा लेता है। मतलब क्या, वो क्या करता है भाई, सुसाइड जो होती है उसको हीरोइन कर लेती है। चलो बताओ, ये वाली हीरोइन का बेटा मुझे सेंटेंस बना के दिखाओ। और मुझे हैरत की बात है, इतने कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरीबा, फातिमा, हानिया, बेटा सारे करो। शी वॉज अ ग्रेट हीरोइन ऑफ हर टाइम। इसको अरीबा बेटा यूं कर लो इसको। अच्छा, 3 बनेगा हमारे पास। न्यूली क्राउन्ड हीरोइन वॉन द इलेक्शन। थोड़ा अजीबोगरीब बन रहा है बेटा ये। द मूवी एक्स वाई जेड हैड एन एडोरेबल हीरोइन। ठीक है, ये भी सही है। द मूवी एक्स वाई जेड हैड अ ब्यूटिफुल हीरोइन। ठीक है, यू कर लो उसको भाई। नेक्स्ट बताओ। गैल गॉडोट इज कास्टेड एज हीरोइन ऑफ। बेटा इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। वॉज कास्टेड एज हीरोइन फॉर वंडर वुमन। द हीरोइन एक्स वाई जेड द हीरोइन वॉज नोन टू बी डायरेक्ट विद हर फ्रेंड्स। द स्टोरी फॉलोज ऑन फ्रॉम द डेथ ऑफ द हीरोइन। हानिया बेटा ये अच्छा सवाल, ये अच्छा हमारे पास। द स्टोरी फॉलोज ऑन फ्रॉम द डेथ ऑफ द हीरोइन। ठीक है, चलो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट वाले पर। सही है इतना। अब देखो ये लिखा हुआ है सुपर। अब मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी हैं, कोशिश करना कि ऐसे सेंटेंसेस को अवॉइड करो जहां पर आप यूज कर सको सुपर। सुपर आता है एक अलग किस्म के सेंटेंसेस में, और सुपर एक अलग किस्म का सेंटेंस आता है। तो मुझे जरा सुपर का सेंटेंस बना के दिखाओ। मैंने बनाया है बैटमैन हैज नो सुपर पावर, या फिर दिस इज अ सुपर हिट मूवी। तो बताओ भाई क्या बनाओगे। शाबाश, शुरू हो जाओ। बनाओ बेटा, क्या बनाओगे, सारे के सारे जल्दी बनाओ। शी इज सुपर कूल इन कुकिंग। मनाहिल बेटा मुझे सेंटेंस की मीनिंग समझ नहीं आ रही। बेटा शाबाश, ताहिर बेटा गुड सेंटेंस। द मैच वॉज डिसाइडेड बाय द सुपर ओवर। अमेरिका इज द सुपर पावर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा हानिया बेटा देखो, इस किस्म के सेंटेंस में ना मेरा बच्चा आता है सुपर। वी हैड अ सुपर टाइम इन इटली। हम इस जगह पर यूज करते हैं वी हैड अ सुपर टाइम इन इटली, इसको यूं करके यूज करते हैं। सेंटेंस बनाने को गलत नहीं है, सही है, लेकिन मैं थोड़ा इस तरह के सेंटेंसेस को अवॉइड करूंगा। चलो मेरे बच्चों बेटा, भाई हमारे बच्चे ने सेंटेंस बनाया है कि आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई
इंगेजमेंट। चलो यहां पर आओ बेटा, इससे पढ़ते हैं सपर। सपर बोलते हैं शाम का जो खाना नहीं होता, जो मतलब कि चाय समोसे वगैरह पकोड़े वगैरह जो होते हैं, जिसे बोलते हैं। तो भाई हमने यहाँ सेंटेंस बनाया है, व्हाट डू वी हैव फॉर सपर टुडे। अच्छा बताओ भाई, कोई है यहाँ पर जो बोलता है कि भाई मुझे बेशक दोपहर का खाना हल्का मिल जाए, लेकिन मुझे भाई सपर चाहिए, और मतलब चाय के साथ, शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। बताओ भाई कोई है यहाँ पर, कोई है हमारे बच्चों में से ऐसा जो बोलते भाई बेशक दोपहर का खाना हल्का मिल जाए, लेकिन भाई शाम में कुछ ना कुछ चाहिए। कोई है? एक बच्चे का वैसे आएगा सर मैं। हाँ भाई एक और बच्चे का आएगा सर मैं भी। बाकी क्या कर रहे हो? क्या बाकियों को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सारे जवाब दो भाई। अरे मेरे बच्चों बाकी भी तो जवाब दो। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं क्या लेगा। आई हैड टी एंड बिस्किट, अभी बिस्किट फॉर सपर। अब मेरे बच्चों देखते हैं क्या बना रहे हो। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर सपर यस्टरडे। ओके आगे बताओ। साइम बेटा बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा ये, बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा मेरा बच्चा। और बनाओ भाई शाबाश, जल्दी करो। अच्छा हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया बेटा, आप लोगों को ये सारे सारे सेंटेंसेस नोट डाउन नहीं करने। आप एक काम करो, आप वो वाला कोई एक सेंटेंस नोट डाउन कर लेना जिस सेंटेंस से आपको प्रॉपर उसकी मीनिंग समझ में आ रही है, ठीक है? अगर आप मोर देन वन कर रहे हो वो भी अच्छी बात है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और अच्छी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है। ठीक और बनाओ भाई। आई एम गोइंग टू स्टडी आफ्टर सफर, कि मैं पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी सफर के बाद। जरूरी नहीं है कि आई के बनाओ भाई, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखो, आर यू गोइंग टू स्टडी आफ्टर सफर, क्वेश्चन फॉर्म में बना दो। हानिया ने अच्छा बनाया भाई कि इट्स अ गुड। अच्छा हानिया बेटा ये वाला इट्स जो बेटा आपने लिखा है ध्यान रखना बेटा, ये थोड़ा अलग वाला इट्स होता है। इट इज बेटा ये वाला होता है, ठीक है? तो इसको ये वाला लिखा करो, ध्यान रखा करो। जो आपने लिखा है मेरा बच्चा वो एक अलग किस्म का इट्स है, ठीक है? इट्स अ गुड हैबिट हैबिट टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर सफर। माई ब्रदर प्रिफर सफर मोर देन लंच। सफर नहीं, सफर सफर। चलो भाई यहाँ पर आ जाओ बेटा सारे के सारे बॉल पर। अब देखो ये वाली जो बॉल है बेटा, अच्छा बस एक मिनट सारे के सारे रुक जाओ बेटा। जो ये वाली बॉल है मैं इसका सेंटेंस नहीं बनवा रहा, क्योंकि ये इतना और ना ही मैंने, अच्छा देखो अगर आप नोट करो तो मैंने कुछ की मीनिंग्स नहीं लिखी हुई। ऑब्वियसली बात है, मीनिंग क्या हार लिखा हूँ, बॉल की मीनिंग क्या लिखा हूँ, गेंद। तो बेटा ये वाला सेंटेंस तो आप आराम से खुद भी बना सकते हो, इतना आसान वर्ड है ये वाला, ठीक? लेकिन ये थर्ड पे, अच्छा ये पहले बोल रहा हूँ पास पेपर्स के आए हैं, तमीज से साथ साथ करते रहना, ठीक है? कोई डिले मत करना, फटाफट साथ साथ लिखते रहो। लेकिन बात अगर आए मेरे बच्चों ये वाले बेल की, तो बेटा मैं आपको जरा इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। एक मिनट बेटा सारे के सारे जरा होल्ड कीजिएगा मेरे बच्चों, एक मिनट रुको बेटा सब बच्चे। हमारे पास बेटा अगर आप स्क्रीन में देखो तो आप लोगों को जो नजर आ रहा है ना मेरा बच्चा, ये कहलाती है बेल। अगर आप देखो तो बेटा इसको बोलते हैं नाउ दिस इज कॉल्ड अ बेल ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है? अब ये जो जो पूरा का पूरा जो रोल कर करके जो उसको नहीं बना लेते, जो पूरा रोल रोल करके बना हुआ होता है, जैसे कि ये देखो ये पिक्चर है, मानो अलग अलग पिक्चर है, ये देख लीजिए बेटा, दैट इज कॉल्ड अ बेल, ठीक है? ये क्या होता है कि इसको रोल कर करके कर करके कर करके इसको यूं करके बना लेते हैं, ठीक है?
जमीन से जो पूरी एक साथ निकलती है ना, जो पूरी एक साथ उखाड़ के ले जाती है, तो उसको रोल कर करके यू बना लेते हैं। इसको बेटा बोलते हैं हम बेल। मेरे बच्चों, अगर मीनिंग समझ में आ गई है तो काइंडली मुझे ओके लिख के भेज दो, ताकि बेटा हम इसके सेंटेंसेस की तरफ आए। अगर बेटा आपको इसकी मीनिंग समझ में आ चुकी है कि किसे बोलते हैं, तो मेरे बच्चों जरा मुझे ओके लिख के भेज दो, ताकि फिर हम लोग जरा दोबारा से सेंटेंसेस की तरफ आ जाएं। ठीक है, ओके। तो मेरे बच्चों दोबारा से यहाँ पर आओ। अब देखो हमारे पास बेटा, हमने, हाँ बेटा बजवल बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? बजवल बोलो सर वो बाय बेटा। मिस्टेक हो गया, मैं ओके लिखा, ओके 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 सर वो ओके लिखा चलो, था, वो बाय मिस्टेक है मेरे को। ओके ओके सही है। अच्छा हमारे पास, मेरे बच्चों अगर आप नोट करो बेटा, बेटा दाऊद, ये जो या तो पूरा जो जो फसलों वगैरह पे जो मतलब घास वगैरह नहीं होती, इस तरह की जो होती है, जो उसको पूरा जमीन से निकाल रहे होते हैं, तो रोल कर करके उसको यूं साइड पे लगा देते हैं पूरा का पूरा। ये सूखी हुई घास टाइप की जो फसलें वगैरह जो होती हैं, आप उनका समझ लो, ठीक है, उस तरह से कर रहे होते हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या एक सेंटेंस लिख दिया, आई सैट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, के मैं जो है बेल पे बैठा हुआ था फायर के करीब। टू अच्छा भाई सही है। हसन ने बेटा क्या कहा हमारे पास, माई फ्रेंड परचेज अ बेल ऑफ हे, अ बेल ऑफ हे टू फीड हिज काउ, ठीक है शाबाश। अच्छा साइम बेटा, आपने सेंटेंस बनाया है बेल्स का, आपने प्लूरल में बनाया है, लेकिन बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा हमें बनाना उसी वर्ड का है जो हमें गिवन है, ठीक है। बेल वॉज यूजली, बेटा मोहे भी गलत सेंटेंस बनाया आपने, क्योंकि आप वॉज लगा रहे हो और यूजली क्या कि आर लगा रहे हो, तो बेटा ये सेंस बनेगा नहीं। दो हेल्पिंग अब एक साथ आ रहे हैं, ऊपर से एक पास्ट का आ रहा है, एक फ्यूचर का आ रहा है, एक प्रेजेंट का आ रहा है, तो सेंस बनेगा नहीं। अब बेटा जरा सारे के सारे फोर्थ वाले पेयर, नंबर फोर्थ पेयर पे आओ जरा सारे बच्चे हमारे पास। नंबर फोर्थ वाला पेयर है बेटा हमारे पास, ये वाला वेट और वेट। देखो एक वेट है गीला, एक वेट है हमारे पास बेटा गीला। अब मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, द रोड वॉज वेट एंड स्लिपरी आफ्टर रेन, कि जो रोड था वो क्या था, गीला था और स्लिपरी था बारिश के बाद। तो बेटा आप लोग बताइए इसके, ये तो आसान है, बताओ क्या बनाओगे इसका, शाबाश। वेट का क्या सेंटेंस बनाओगे मेरे बच्चों, शाबाश। सारे के सारे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए बेटा सब बच्चों से, जल्दी करो। ये आसान है, पहले बोल रहा हूं मैं, शाबाश बेटा साइम। अच्छा सेंटेंस है, द पुलिस कॉन्टेक्टेड द पब्लिक टू बी केयरफुल ऑन द वेट रोड्स आफ्टर रेन, शाबाश बेटा, गुड। और बनाओ, लेकिन साइम बेटा मैं ये वाला सेंटेंस जानबूझ के इसलिए नहीं लिख रहा बेटा, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। गलत सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के ही लिख रहा। ऑल क्लोथ्स गॉन वेट इन द रेन, बेटा ताहिर इसको ये कर लो, ऑल ऑफ आवर क्लोथ्स गॉट वेट इन द रेन, ये कर लो बेटा इसको। अच्छा क्या है, द ग्राउंड इज स्टिल वेट फ्रॉम द रिसेंट रेन। देखो हानिया बेटा, आपने बेटा सेंटेंस जो बनाया ना रिसेंट, ठीक है बेटा, कोशिश करो कि इसको जो है ना रिसेंट के साथ मेरा बच्चा प्रेजेंट में बनाओ, क्योंकि देखो आप बात कर रहे हो रिसेंट की, अभी अभी की, तो बेटा रिसेंट के साथ तुक जो बनेगा वो इसका बनेगा, द ग्राउंड इज स्टिल वेट आप फ्रॉम द रिसेंट रेन, ठीक है मेरा बच्चा, आगे आओ। बेटा शाबाश मरियम, द बेबी स्पिल्ड वाटर एंड मेड द कारपेट वेट, शाबाश। चलो मेरा बच्चों यहाँ पर बेटा, ये वाला वेट है इंतजार करना, ठीक है। चलो भाई बनाओ, क्या बनाओगे इससे मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, इसका क्या बनाओगे सेंटेंस। साइम बेटा शाबाश, द बस ड्राइवर Did not bother to wait for the passengers for more than 5 minutes. हालांकि बहुत लेंदी है, लेकिन मैं स्टिल लिख रहा हूँ जरा, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर आओ जरा।
अच्छा, अरे नहीं नहीं साइम बेटा मस्ता नहीं है, मैं से बता रहा हूँ कि देखो इतने लंबे सेंटेंस एग्जाम में मत लिखना, ठीक है? कोशिश करो कि सेंटेंस ऐसा हो कि बंदा आराम से पैक कर ले पढ़ते साथ। शाबाश बेटा मुहेब, आपने अच्छा सेंटेंस बताया ये वाला बेटा कि गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट, कि भाई अच्छी चीजें उन लोगों के साथ होती हैं जो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है, चलो भाई और बताओ क्या बनेगा इसका, एक और बताओ। शाबाश, चलो खैर यहां पर आ जाओ। फेयर, अच्छा बेटा एक बात याद रखना, ये वाला जो फेयर है ना ये अलग अलग मीनिंग में आता है। देखो एक फेयर होता है FAIR, जिसे हम बोलते हैं कम्प्लेक्शन के बारे में बात करते हैं कि लोगों की जो रंगत होती है उसके बारे में फेयर कम्प्लेक्शन आती है, वो क्या आती है, एक अलग रंगत के बारे में आता है। एक आता है कि जो हमारे पास इंसाफ की बेस से बात करें कि हाँ भाई ये वाली चीज क्या है, पूरी इंसाफ पर ये डिपेंड करती है, इसमें कोई गद्दारी नहीं हुई है, कोई गलत काम नहीं हुआ है, बल्कि तमाम चीजें इस पे ठीक है, एक वो भी फेयर कहलाता है। और एक फेयर कहलाता है किसी जगह पर अगर कोई मेला लगा हुआ हो, जैसे कि बोलते हैं ना कोई इवेंट हो, इस तरह की कोई चीज हो, तो उसे भी मेरे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। तो बेटा बताओ मुझे, मैंने एक सेंटेंस बना दिया, All is fair and in love and war. तो मेरे बच्चों आप बताओ आप लोग क्या सेंटेंस बताओगे इसका। शाबाश बताओ जरा। All is fair in love and war. मेरे बच्चों जरा मुझे बताइए कि बेटा आप लोग क्या सेंटेंस बताएंगे इसका मुझे। शाबाश। अरे बाकी कहां पर हो भाई, जल्दी जवाब दो मुझे। साइम बेटा थोड़ा सा ये थोड़ा अलग लेवल का हो जाएगा बेटा, इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे वो क्या क्या रहे हो, मैं तुम लोगों का नाम ले लेके तुमको बोलूं। द डिसीजन दैट द जजेस मेड वॉज नॉट फेयर एट ऑल, ठीक है शाबाश बेटा गुड, आगे बताओ। He didn't get fair result for his work. Okay, भाई आगे बताओ। Four. Mohib. अच्छा चलो आगे और दूसरा बताओ भाई, और बताओ क्या बनाओगे इसका बेटा मेरे बच्चों। बनाओ भाई बनाओ, और क्या बनाओगे ये वाले फेयर का। शाबाश, अ फेयर डेथ ऑनर्स द होल लाइफ। मुनीफ सही है बेटा। अब मेरे बच्चों ये वाला फेयर आओ, ये वाले फेयर का मतलब होता है किराया, मतलब के देखे जो ट्रेवल करने का किराया नहीं होता, बस का हो, ट्रेन का हो, रक्शे का हो, चिंची का हो, कुछ भी हो, करीम वगैरह कुछ भी हो बेटा, इसे फेयर बोलते हैं। तो क्या लिखा आपने, शी डिडंट हैव इनफ मनी फॉर द बस फेयर। चलो भाई आगे बताओ क्या बना हम लोगों ने। हसान बेटा इसमें फेयर का वर्ड कहां पर आया ये बताओ। द फेयर फॉर द बस हैड इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइस। और बताओ भाई फेयर का और क्या बनाओगे। शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी करो। बाकी क्या कर रहे हो, टैक्सी ड्राइवर टुक मोर
इसको यू करो, चार्ज मोर फेयर देन यूजुअल फॉर अ लिटिल राइड, ये करो। अच्छा फोर बनेगा, ही कुड बियरली अफोर्ड द रेगुलर फेयर, सही है, वही बात आ जाएगी। द फेयर वर करीम वाज गॉन एक्सपेक्टेड। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहाँ पर आओ बेटा प्रे, अब ये वाले पर आओ जरा। मोहे बेटा फेयर्स का नहीं बनाना, फेयर क्या बनाना है मेरा बच्चा। चलो भाई ये बताओ उसका क्या बनाओगे। द टैक्सी ड्राइवर पिक्ड अप हिज फेयर प्रे, पी आर ए वाई। मैंने सेंटेंस बनाया कि डू नॉट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे टू बी स्ट्रॉन्गर। ये दुआ ये मत मांगो कि भाई तुम लोगों की जिंदगी आसान हो, क्योंकि जिंदगी मेरे बच्चों मुश्किलात आपको लाजमी आएंगी, क्योंकि हम लोग बेवकूफ हैं कि दरअसल इस दुनिया को अपना आइडियल घर बनाने की कोशिश करते हैं। हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है जो कि इस दुनिया को आइडियल घर बना रहा होता है। मतलब आप ये सोचो कि ये वो जगह है जहां पर हमारे अम्मा अब्बा, जो पहले अम्मा अब्बा है, पहले वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, उनको दुनिया में पनिशमेंट के तौर पे भेजा गया था जन्नत से निकाल के। मतलब ये जगह उनके लिए क्या है, पनिशमेंट। और हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, अपना आइडियल घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब हमारी इस घटिया सोच पे बेटा ये याद रखना, प्रॉब्लम्स आती ही हैं, लाजमी आएंगी, लाइफ का पार्ट है भैया, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंसान की फितरत क्या है, वो क्या करता है, या थोड़ा और बेहतर हो, थोड़ा और बेहतर हो, थोड़ा और बेहतर हो, कर करके पूरी लाइफ गुजार देता है उस पर। चलो मेरे बच्चों इसका बनाओ प्रे का, क्या बनाओगे सेंटेंस। सिंपल सा सेंटेंस बना लो कि वी शुड प्रे फाइव टाइम्स अ डे, ठीक है। ताहिर बेटा आपका सेंटेंस थोड़ा गलत बन जाएगा, इसको ही मत लगाओ, क्योंकि ही लगाओगे तो यूज करना पड़ेगा प्रेज, ठीक है। और अगर हम लगाते हैं थ्री का तो बनेगा वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर आवर आफ्टर लाइफ, मतलब के या लाइफ हियर आफ्टर एक ही बात है। माई मदर टॉट मी टू प्रे वैन फेसिंग अ डिफिकल्टी, ओके भाई सही है, शाबाश। अब मेरे बच्चों नीचे वाले पर आओ जरा। अब देखो नीचे वाले का मतलब है बेटा शिकार, शिकार जिसे नहीं बोलते। तो हमने क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट स्नेक स्वेलो देयर प्रे होल, कि अक्सर सांप क्या करते हैं कि अपना पूरा का पूरा शिकार साबुत निगल लेते हैं। सांप क्या करते हैं अक्सर, अपना पूरा शिकार साबुत निगल लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो बताइए बेटा हमारे पास और इसकी क्या बन सकती है। ओके शाबाश बेटा, द बर्ड्स वर लुकिंग फॉर देयर प्रे, गुड। और बताइए बेटा क्या बनेगा। अरे साइम मेरा बच्चा लव यू, बेटा क्या सेंटेंस बनाया आपने। कैट्स आर नोन टू प्ले विद देयर प्रे बिफोर ईटिंग देम, शाबाश, गुड गुड गुड। और क्या बनेगा बेटा हमारे पास। अच्छा मनाहिल, देखो तुमने जो बनाया ना, माई मदर प्रे फॉर माई सक्सेस इन एग्जाम्स, ये गलत सेंटेंस है। देखो अगर आप प्रेजेंट का बना रहे हो ना तो आएगा प्रेज, अगर पास्ट का बना रहे हो तो आएगा क्या, प्रेड। क्योंकि बेटा हमारे पास माई मदर जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि प्रे इस्तेमाल करो तो सब्जेक्ट को प्लूरल कर दो, आप करो माई पेरेंट्स, तो खुद ब खुद क्या हो गया, प्लूरल हो गया, माई पेरेंट्स प्रे फॉर माई सक्सेस इन एग्जाम्स, ये सेंटेंस सही है। मनाल क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एनिमल्स प्रे ऑन वीकर वंस,
हानिया, स्ट्रॉन्ग एनिमल्स प्रे ऑन वीकर वंस आएगा, वीकर वंस, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, द लायन स्ट्रॉन्ग एट्स प्रे थ्रू द लॉन्ग ग्रास। बस यहां रुक जाओ, यहां तक हम लोगों ने कर लिए 2019 के सिक्स पेयर्स कंप्लीट, सारे कर लिए। और मैं इस तरह से होमोफोन्स करवाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम लोग पास्ट पेपर्स के सारे ईयर्स करेंगे, परेशान मत हो, सारे करेंगे अब, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले जरा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ तक अगर सारा काम कर लिया है, समझ में आ गया है, तो काइंडली बेटा मुझे जरा चैट में बता दीजिए कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर। सब बच्चों को बोल रहा हूँ, सब बच्चे जरा मुझे मैसेज बताइए कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर, सबको बोल रहा हूँ, जरा जल्दी से जवाब दो मुझको, ताकि फिर मैं बस क्लास को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमने आज का और ये इंपॉर्टेंट क्लास है, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई बाकी बच्चे क्या क्लास में क्या झग मार रहे हो, बाकी भी जवाब दो सारे के सारे, इतने सारे बच्चे क्लास में हो, तुम लोग गिनती से पांच छह बच्चों का मस्ती जाता है, पता नहीं बाकी क्या कर रहे होते हो। अच्छा बेटा अबराज दिखा रहा हूं, अबराज बेटा ये रहा वन, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मुझे बताना कि डन, फिर मैं बताता हूं, देख लो भाई फिर मैं हटा दूंगा। अबराज मेरा बच्चा जल्दी से बताओ, जब कर लो बस ठीक है। और बेटा ये रहा सेकंड, हमारे पास सेकंड का भी स्क्रीनशॉट ले लो और बोल देना ऑल डन। अबराज बेटा सेकंड का जलिया, ओके। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, सही है, और इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, कल देखते हैं बेटा आप लोगों की क्लासेस का क्या सीन है, फिर इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको पढ़ाते हैं, जो कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बेटा उस तरह से आपकी क्लासेस हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे, सेट है। और मेरे बच्चों पहले बोल रहा हूँ बेटा, बीच में कोई भी बेवकूफ क्लासेस स्किप ना करे, बार बार बोल रहा हूँ, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखो हालात का कुछ पता नहीं है अभी हमारे पास कब तक चल रहे हैं, अभी सुनने में आ रहे क्या पता एक्सटेंड हो जाए हमारे पास ये, तो बेटा लिंक में सारे के सारे रहना और सब की सब क्लासेस अटेंड करो, सही है। तो मेरे बच्चों बेटा इंशाल्लाह आपसे कल जरा बातचीत कंटिन्यू करते हैं, सही है, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।